हरे कृष्ण भक्तों, आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। जब आप सुबह नई उमंग के साथ अपनी आंखें खोलते हैं, तब भगवान आपका एक नए सवेरे में स्वागत करते हैं। वह आपके पास खड़े होते हैं तथा आपसे बिना कुछ लिए वह आपके जीवन में आत्मा और प्रेम का संचार करते हैं। एक मीठे शब्द का संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि आंखें खोलने का वक्त अनमोल होता है और हमें आत्मभूति और प्रेम का आनंद देता है। यह हर सुबह है हमारे जीवन में दिव्य रोशनी की तरह होता है जो हमें भाग्यशाली बनाता है और हमारे दुखों को हराता है। भगवान आपको एक भाग्यशाली और प्रेम युक्त सुबह दे जो आपके हर सुबह को खुशी और संतुष्टि से भर दे। आपकी दिनचर्या भगवान के प्रेम से प्रेरित हो। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें उनका साथ लेना ही सच्चा सुख देता है। भगवान के प्रेम और कृपा से हम जीवन की धारा को आनंदमय बना सकते हैं। जब हम सब भगवान के चिंतन और आराधना में पूरी तरह समर्पित होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदा बना रहता है। भगवान के ध्यान में रहना और उनकी सेवा करना हमें शांति, समृद्धि और संतोष का अनुभव कराता है। जब तुम अपनी सुबह आराधना में खो जाते हो तो तुम्हारा दिन अपने आप ही भगवान की कृपा से समृद्ध हो जाता है। भगवान की शक्ति और आशीर्वाद से सुबह की शुरुआत करो और अपने जीवन को ध्यान, प्रेम और सद्भाव से भर दो। जगाओ और जीवन को अच्छाई से भर दो। सुबह की किरणें आपको ईश्वर के प्रकाश की याद दिलाएं। प्रेम और प्रसन्नता के साथ आपका मार्ग प्रशस्त करें। अपने हृदय को फूल की तरह खिलने दें और हर घंटे सदैव दैवीय कृपा को गले से लगाए रखें। कृतज्ञता के साथ जागें क्योंकि प्रत्येक सुबह सर्वशक्तिमान का उपहार है। अपनी चिंताओं और भय को त्याग दें। भगवान की उपस्थिति आपके दिन को शक्तिशाली बनाए। भगवान हमेशा हमारे साथ है। सुबह के मौन में अपने भीतर की दिव्य शक्ति से जुड़े। भगवान का आशीर्वाद आप पर बरसने दें जिससे आपका दिन आनंदमय और शांत हो जाएगा। प्रत्येक सूर्योदय के साथ भगवान संभावनाओं का एक नया कैनवास चित्रित करते हैं। सुबह को विश्वास और उत्सव के साथ अपनाएं क्योंकि इसकी सुंदरता में चमत्कार छिपे हुए हैं। जैसे ही सुबह हो प्रार्थना और भक्ति में लीन हो जाएं और उसमें सांत्वना तलाशें। ईश्वर का प्रेम और मार्गदर्शन आपके मार्ग को अटूट भक्ति से प्रकाशित करे। सुबह के आलिंगन के लिए अपनी आंखें खोलें। भगवान की कृपा आपकी आत्मा को छू रही है। दिन को विश्वास के साथ स्वीकारें क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपको संपूर्ण बनाता है। सुबह के आगमन के साथ अपने हृदय को परमात्मा की स्तुति करने दो। भगवान की योजना पर भरोसा रखें और हर बाधा समय के साथ आशीर्वाद में बदल जाएगी। जैसे ही सूर्य उगता है अपने चारों ओर भगवान की उपस्थिति महसूस करें। प्रत्येक सुबह उसके दिव्य प्रेम की सच्ची याद दिलाएं। सुबह की शांति में ईश्वर को शाश्वत आलिंगन में शांति पाएं। उनका दिव्य प्रकाश आपका मार्गदर्शन करे और आपके दिन को असीम कृपा से भर दे। प्रत्येक सुबह जागने के साथ परमात्मा के साथ अपने संबंध को नवीनीकृत करें। अपनी चिंता को त्याग दें क्योंकि भगवान का प्यार और सुरक्षा हमेशा चमकती रहेगी। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है।
जीवन के बदल जाने के साथ कभी भी वक्त नहीं बदलता। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं बदलता। कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरी जीवन लग जाती है, पूरी जिंदगी लग जाती है। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वह कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है। फिर चाहे वह फल हो या शरीर हो, किसी का भला न हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराइयों में विलीन थे। मिटाने से मिटते नहीं, ये भाग्य के लेख, कर्म अच्छे तू करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। तुम उनके लिए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हो जो तुम्हारे असफल और निर्धन होते ही किसी और का साथ देने लगेगी। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता, ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हैं? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही समय सबसे बेहतर है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और इंसानों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी आपके बहुत करीब थे। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है, इसलिए हमेशा शांत और प्रसन्न रहें। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रसन्नता हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो लेकिन बदलेगी जरूर। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां पर सर मत झुकाना। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा तब तुम सदैव तनाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला इंसान मजबूत होना सीख जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है,
क्योंकि नाव में छोटा छेद हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। श्रेय मिले ना मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद ना करे, क्योंकि आशा चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन निराशा से बेहतर होती है। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। इसलिए व्यक्ति को व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर साल में काटना ही होता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुख का अंत है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्रदान होती है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुकना चाहिए, किंतु सच बात यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो पार्थ, बस वही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिलता रहता है। परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो किसी और का है और कल किसी और का होगा। भूत और भविष्य से नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु जल बुझा नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही चिंतन हो, सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना लेना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है न समझ सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। जीवन में आधे दुख इस कारण से जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो।
मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो और सभी प्रियजन तुम्हारे ही होंगे और तुम सभी अपने प्रियजन के। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली ही हाथ जाएगा। इस दुनिया में क्योंकि यही विधि का विधान है, कभी सभी को दुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे यह तो हमारे हाथ में है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी है कि आज अच्छा करो। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाएंगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वे चोर कहलाते हैं। नरक के तीन द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। भगवान प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक जीव में मौजूद है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में अनुगमन करते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नहीं दरकार सागर की, कृपा की एक बूंद काफ़ी है। रहूं मस्ती में हर दम, बस कान्हा का ध्यान काफ़ी है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं मगर समय तो मेरा मुरली वाला ही ठीक करता है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मिणी का हो गया। तब से इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके साथ बुरे से बुरा व्यवहार करे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस ना लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। तेरी यादों के साथ यूं जिंदगी का सफर करते हैं हम। अब तुमको ही लिखते तुमको ही पढ़ते हैं हम। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार चरित्र और सम्मान की हो। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव महसूस करता है। ये अर्जुन
व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा ही कठिन होता है। भगवान सभी लोगों के मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नहीं शुरुआत हमारा इंतजार कर रही है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ भी सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। जो किसी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। जय श्रीमन्नारायण।